स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग में पाइथन का टीचर। तो आज लेक्चर नंबर 9 में हम नेक्स्ट डेटा टाइप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे लास्ट वीडियोस में दो रिक्वायरमेंट दी गई थी, एक तो ये कि वीडियोस को थोड़ा जूम करके बनाऊं, तो मैंने इसे जूम कर दिया है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पर आपको उसमें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई, तो मैंने अपने माइक को भी प्रॉपर तरीके से चेंज करके सेट कर लिया है। आपको अब 100% क्लियर साउंड मेरा मिलेगा जब आप सीखने लगोगे, लिसनिंग करोगे, और आवाज़ भी थोड़ी अच्छी तेज़ आएगी। अब लास्ट हमने ये जाना था कि अगर एक वेरिएबल है, मैं इसको फ़िलहाल फ़ाइल में जाके न्यू से काम कर रहा हूँ, फ़ाइल, एक न्यू फाइल ले ली ताकि टोटल इसमें और कुछ भी नज़र आपको ना आए फालतू, या मैंने एक वेरिएबल बनाया जी अपने पास एक्स, या मैंने लिखा था परसेंटेज, परसेंटेज इज इक्वल टू 50। ओके, अब मैंने लिखा 50 और नीचे से मैं कहता हूँ जी अपने पास क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट, और प्रिंट करने हम कोशिश करो कि वेरिएबल अगर हम छोटा सा रखो, मैं छोटा कर लेता हूँ ज़रा, ठीक है, PER परसेंटेज। तो यहाँ मैं कहता हूँ टाइप ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर लिख देता हूँ मैं अपने पास जी PER। मुझे आज जानना है कि अगर एक वेरिएबल में 50 लिखा आ रहा है तो उसमें आंसर क्या आएगा। एंटर करते हैं, एंटर करने से कोई आउटपुट नहीं आई, कंट्रोल F5 करके सेव करते हैं पहले इसको, और कुछ भी नाम लिख के सेव कर लेता हूँ मैं, D नाम से पहले भी है तो कुछ भी नाम लिखा, आउटपुट चेक की तो इंटीजर आ गया। हालांकि इंटीजर टाइप हम पहले जान चुके हैं, और दूसरी टाइप जो होती है टेक्स्ट स्ट्रिंग, वो भी हमने अच्छे से समझ लिए है। उम्मीद है कि दोनों चीज़ें आपको अच्छे समझ आई, लेकिन आज की वीडियो में ताल्लुकात इसके साथ नहीं है, इसे मैं क्लोज करता हूँ। परसेंटेज का मतलब 50.50, क्योंकि परसेंटेज का मतलब लाजमी नहीं कि पूरी पूरी वैल्यू आती है, परसेंटेज में आपके पास ऊपर नीचे उसके फिगर हो जाते हैं, उसकी वैल्यू में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो अब मैंने एक नई टाइप जिसका नाम है परसेंटेज, और वैल्यू उसमें पॉइंट्स में लिखी गई है, तो जो पॉइंट्स में टाइप की गई वैल्यू है, इसको कंप्यूटर अपनी ज़बान में क्या समझता है कि कौन से डेटा के टाइप है, तो कंप्यूटर से पूछते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस किया, फाइल को करते हैं सेव। जैसे ओके करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी टाइप कौन सी है, फ्लोट। तो आज की जो वीडियो है उसका मतलब है फ्लोट डेटा टाइप। मुझे एक और कमेंट्स भी आया था कि काइंडली हमें थोड़ा सा टास्क दे दिया करें, जो क्लास आप पढ़ाते हैं उसके तरह से टास्क दिया करें ताकि हम भी कुछ काम नया करें। तो इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा बस ये टाइप्स वगैरह कंप्लीट करने दो, जैसे हमेशा हर चीज़ में टास्क आप लोगों को मैं देता हूँ, वो लाजमी टास्क दूंगा, आपको और मज़ा आएगा पढ़ने का। लेकिन अभी मेरी नज़र में जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आए हो, मैं स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ। तो जब आपको थोड़ी सी चीज़ें, मुझे लगा कि मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर इन्हीं चीज़ों से मिल मिला कर कोई प्रोग्राम बनाएंगे, उसे हम देखें कैसे कैसे हो रहा है, तो तब आपको मैं अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी मैं कोई टास्क नहीं देता, बस चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से सीखते जाएँ, आसान करके सीखते जाएँ। आसान लगे तो कमेंट्स में लिख दिया करें पाइथन आसान है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, ना लगे तो इग्नोर करना। माजिद अली आपसे मुलाकात करेगा फिर से, आप सबको मेरी तरह से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।